नमस्कार, मैं प्रज्ञा धादा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ एक बार किसी मामले में शिकायत दायर कर इसे वापस नहीं ले पाएंगे। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। किसी सरकारी लोक सेवा के खिलाफ शपथ पत्र के साथ की गई कोई शिकायत अब किसी सूरत में या बहाने से वापस नहीं होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेश सभी निगरानी समेत किसी भी विभाग या जिला स्तर पर की गई शिकायत पर लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा काफी चर्चा में है। इस यात्रा की वजह से देश में लक्षद्वीप एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। गूगल पर लोग इसके बारे में जानकारियां ले रहे हैं। वहीं शेयर बाजार में भी लक्षद्वीप से जुड़ी कंपनियों के शेयर तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसमें से एक कंपनी प्रवेग लिमिटेड है। बता दें कि इस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 50 टेंट हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक सख्त निर्णय लेते हुए इंटर में नामांकन रद्द होने वाले परीक्षार्थियों के इंटर की प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण शिक्षा विभाग की ओर से काफी संख्या में इंटर के परीक्षार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। समिति ने कहा कि वैसे सभी विद्यार्थी जिनका नामांकन पंजी से नाम काट दिया गया है, उनका समिति के स्तर से निर्गत इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र कैंसिल कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के दुनिया भर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में यह सामने आया है कि पिछला साल अब तक दर्ज सबसे गर्म साल रहा और औद्योगीकरण से पहले के स्तर की तुलना में औसत वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गई। यह जानकारी एक यूरोपीय जलवायु एजेंसी ने दी है। कॉपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस के वैज्ञानिकों ने कहा कि जनवरी या फरवरी 2024 में समाप्त होने वाली 12 महीनों की अवधि में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार हो सकती है, जिससे जलवायु प्रभाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 से 14 जनवरी तक की छुट्टी पर चले गए हैं। हालांकि 7 दिनों की छुट्टी अब बढ़ा दी गई है। के पाठक अब 16 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी पत्र में जानकारी दी गई है कि 8 से 16 जनवरी तक शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ प्रसाद कार्यों को देखेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 150 से अधिक सशस्त्र सुरक्षा कमांडो संभालेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आशय की मंजूरी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान सहित विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद सभी नए अध्यापकों को 15 जनवरी से स्कूलों में पोस्टिंग देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन नए टीचरों को स्कूल आवंटन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में विद्यालय में योगदान के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को दोगुना कर सकती है। अभी किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्तों में कुल 6,000 रुपए की राशि दी जा रही है। महिला किसानों के लिए इसे बढ़ाकर 12,000 करने की योजना पर विचार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में होने की संभावना है। योजना लागू होने से सरकार पर सालाना 120 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में लगे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार विधान परिषद की ओर से प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं वे आज से बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 तक तय की गई है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार शुरुआती कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 100 रुपए की गिरावट आई। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 62,950 रुपए हो गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में 100 रुपए की गिरावट आई। इसके बाद 10 ग्राम की कीमत 57,700 रुपए हो गई। मुंबई में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत कोलकाता और हैदराबाद की कीमतों के बराबर 62,950 रुपए है। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 63,100 रुपए, बेंगलुरु में 62,950 रुपए और चेन्नई में 63,490 रुपए है। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है। पंकज त्रिपाठी ने अपने अब तक के करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। फिलहाल एक्टर दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में नजर आएंगे। इन सबके बीच पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए और साथ ही बताया कि कभी उनका पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव हो गया था। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर से शुरू हुए इसराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया भर के देश इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने नागरिक जीवन के नुकसान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मानवीय संकट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कंबोज ने कहा कि भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए समाज के साथ सरकार भी पूरी चाक चौबंद तैयारी में जुटी है। इसका सीधा प्रसारण देश विदेश में किया जाएगा। सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय व संस्कृति मंत्रालय इसकी खास तैयारी कर रहा है। दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। विभिन्न संगठनों द्वारा इसे लगभग हर गांव के मंदिर में टीवी स्क्रीन पर दिखाने की तैयारी की गई है। पाकिस्तान में रहने वाले भारत की ओर से घोषित कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के बारे में एक सनसनीखेज सूचना सामने आ रही है। जी हां, समाचार एजेंसी पीटीआई ने संयुक्त राष्ट्र के हवाले से बताया कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान में 78 साल की कैद की सजा काट रहा है। वह टेटर फंडिंग के साथ मामलों में सजा का सामना कर रहा है।
फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक स्पेशल प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम है टाइम टू ट्रैवल। इसके जरिए देश के कई हिस्सों में मात्र 1799 रुपए में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। एयरलाइंस का यह ऑफर 11 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2025 तक वैलिड रहने वाला है। ऐसे में यह स्पेशल ऑफर पूरे एक साल के लॉन्च किया गया है। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है। आम लोगों को उम्मीद है कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। हालांकि अब तक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे पहले अटकलें थी कि नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स के लिए वोट और अकाउंट से पर्सनल इनकम टैक्स छूट 7 लाख रुपए से बढ़कर 7.5 लाख रुपए किया जा सकता है। मालदीव के लिए भारत से पर्यटन में 3 दिन में करीब 30% तक गिरावट आ चुकी है, दावा पर्यटन से जुड़ी सेवाएं देने वालों ने किया है। सोमवार को विभिन्न संस्थानों ने इस बारे में जानकारियां साझा की। ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के निदेशक माधव ओझा ने भारत से मालदीव के लिए सीधी उड़ानों में 20-30% कैंसिलेशन की जानकारी दी। देश भर से रोजाना 7-8 उड़ानें सीधे मालदीव जाती है, जिनमें अकेले मुंबई से 3 उड़ानें हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बुधवार 10 जनवरी को वायदा और विकल्प सेगमेंट के तहत ट्रेड के लिए 12 शेयरों को प्रतिबंध के तहत रखा गया है। एनएसई के शेयर अनुसार इन सिक्योरिटीज को FNO सेगमेंट के तहत प्रतिबंध पर रखा गया है, क्योंकि यह मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% पार कर गया है। बता दें कि एनएसई हर दिन ट्रेड के लिए FNO बैन में सिक्योरिटीज की लिस्ट को अपडेट करता है। एनएसई ने कहा, प्रतिभूतियों में डेरिवेटिव MWPL के 95% को पार कर गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट परीक्षा में भाग लिया था, उनके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही यूजीसी नेट एग्जाम के नतीजे जारी किए जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से किया गया था। नोटिस के अनुसार एनटीए परीक्षा के नतीजे 10 जनवरी 2024 को जारी नहीं करेगा। परीक्षा के नतीजे 17 जनवरी 2024 को घोषित किए जाएंगे। साल 2024 के शुरुआती 10 दिनों में ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। खबर है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने महज 100 दिनों के अंदर एक घातक राइफल तैयार कर दी है। इसे उग्रम नाम दिया गया है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया में हैदराबाद की निजी कंपनी द्वीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी सहयोग रहा। INSAS राइफल की तरह 5.62 mm कैलिबर राउंड्स के मुकाबले ये राइफल 7.62 कैलिबर mm कैलिबर का इस्तेमाल करेगी। बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सत्तारूढ़ आवामी लीग की भारी जीत के साथ हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बन चुकी है। शानदार जीत के बाद शेख हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को याद किया। उन्होंने भारत को भरोसेमंद दोस्त बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन ने इस बीच भारत को भरोसा दिलाया है कि उनका देश चीन की चाल में कभी नहीं फंसेगा और कभी घुटने नहीं टेकेगा। सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापन में 100% सफलता या चयन का दावा नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देशों का एक मसौदा तैयार किया है। इसमें कोचिंग संस्थानों को सफलता दर और चयन छात्रों की संख्या पर झूठे दावे करने से रोका गया है। मसौदे के अनुसार जानकारी का फॉन्ट साइज वही होगा जो दावे विज्ञापन में उपयोग किया गया है। विज्ञापन में ऐसी जानकारी प्रमुख और आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर देनी नहीं होगी। ITBPO शिक्षा खुदरा एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में भर्तियां को लेकर सतर्कता से दिसंबर 2023 में एक साल पहले की तुलना में पेशेवरों की नियुक्ति में 16% की गिरावट देखने को मिली है। Naukri.com की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के महीने में कुछ क्षेत्रों की भर्तियों को लेकर सतर्कता का रुख देखा गया। IT क्षेत्र में दिसंबर में नियुक्तियों में एक साल पहले की तुलना में 21% गिरावट देखी गई, जबकि नवंबर 2023 के मुकाबले भर्तियां 4% घटी हैं। पर नजर रखने वाली बहुत सी एजेंसियों के अनुसार 2024 दुनिया भर के मतदाताओं का साल है। इस वर्ष संयुक्त रूप से 44.2 खरब सकल घरेलू उत्पाद वाले भारत और अमेरिका सहित करीब 40 देशों के करीब 320 करोड़ लोग इस चुनावी महाकुंभ में मतदान के रूप में आहुति देंगे। अगर भारत में राज्य और स्थानीय निकायों के चुनावों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो करीब 76 देशों में मतदान होगा। यह भी कह सकते हैं कि दुनिया में हर दूसरा शख्स मतदाता होगा। एजेंसियों का मानना है कि एक साल से पहले कभी इतने अधिक लोगों ने मतदान नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं के हित के लिए लगातार अथक प्रयास कर रही है और इसके लिए तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें से सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुरू होने के बाद से उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 12 लाख नए आवेदन प्राप्त किए हैं। इसका मतलब यह है कि यात्रा शुरू होने के बाद से 55 दिनों में 12 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस मिला है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित मुद्दों पर बुधवार से शुरू होने वाली अगले दौर की वार्ता में चर्चा होगी, जिसमें बातचीत का दौर संपन्न करने पर जोर रहेगा। एक अधिकारी ने कहा, ब्रिटेन और भारत एक व्यापक और महत्वाकांक्षी FTA की दिशा में बातचीत जारी रखेंगे। 14वें दौर की वार्ता यहां बुधवार से होगी। लगातार बढ़ रही आबादी की मांग को पूरा करने के लिए देश में 2036 तक अतिरिक्त 6.4 करोड़ मकानों की जरूरत होगी। क्रेडाई लाइसिस फोरास ने एक रिपोर्ट में कहा, तेजी से बढ़ती भारतीय आबादी व अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप मकानों की मांग और आपूर्ति में तेजी आई है। साथ ही मकान खरीदारों की क्रय क्षमता में भी सुधार हुआ है, वे अब बड़े मकान खरीदना चाहते हैं। क्रेडाई ने वाराणसी में आयोजित न्यू इंडिया समिट में डाटा एनालिटिक कंपनी लाइसिस फोरास के साथ मिलकर यह रिपोर्ट पेश की।
देश में कोरोना के नए मामले आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 605 नए मामले सामने आए, इसमें 4 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ 877 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3643 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के ज्यादातर मामले केरल और कर्नाटक में सामने आ रहे हैं। इन्हीं दिनों राज्यों में पिछले 24 घंटे में 2-2 मरीजों की मौत हुई है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में लॉन्च किया गया। फर्म ने कहा कि सभी मौसमों में एकमात्र सैन्य प्लेटफॉर्म है जो 2 हवाई क्षेत्रों में उड़ान भर सकता है। कंपनी ने कहा कि नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल होने के लिए UAV हैदराबाद से पोरबंदर तक उड़ान भरेगा। गूगल की ओर से CES 2024 इवेंट में बीते दिन ये जानकारी शेयर की गई। कंपनी सैमसंग के साथ एंड्रॉइड फोन की एक फेमस सर्विस के लिए हाथ मिला रही है। गूगल ने बताया कि दोनों कंपनियों ने अपने शेयरिंग सॉल्यूशन को एक ऐप में बदलने के लिए हाथ मिलाया है। यूजर्स अब एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ साथ क्रोमबुक लैपटॉप्स पर भी डेटा को शेयर कर पाएंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, राम पुकार महतो, मोहम्मद शकीर हुसैन, धनंजय कुमार, नौशद राजा, बाबूलाल मरांडी, राजा कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।